पता है क्या हुआ, मैंने जब वेन्यू DCT चलाई ना, उसके बाद मैंने चलाई AMT तो मैं AMT पे तो जाना ही नहीं चाहता था। अगर उनके पास स्टॉक नहीं होता है तो मतलब वो कस्टमर को मुंह नहीं लगाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? मतलब मेरे लिए था कि मुझे बड़ी गाड़ी तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए लूंगा, अंदर बैठ के मुझे कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ रोहन के साथ चंडीगढ़ के अंदर। रोहन की ये गाड़ी है। रोहन बहुत बहुत स्वागत है। किया सोनेट IMT का टॉप वेरिएंट है GTX। कितने की पड़ी थी ये? भाई मुझे पड़ी 13,20,000। अच्छा, 13,20,000 की ये गाड़ी है। और आप मुझे ये बताओ यार, IMT आपने चूज करी तो आप मैनुअल लेने गए थे या फिर ऑटोमेटिक लेने गए थे, ये बताओ। हाँ, मेरा जो प्रायोरिटी थी वो ऑटोमेटिक थी। मैं ऑटोमेटिक में ही देख रहा था, फिर जब बहुत सारी रिसर्च की तो IMT भी मैंने चला के देखी तो मुझे IMT पसंद आई। और ऑटोमेटिक DCT से मुझे 1,00,000 सस्ती पड़ रही थी। अच्छा, तो मुझे लगा ये अच्छा ऑप्शन। एक बात बताओ, वेन्यू भी थी IMT में, इससे सस्ती पड़ती है वो 1,00,000 रुपए के आसपास। बिल्कुल। उसमें नहीं जाने का रीजन? मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली थी वो मैंने वेन्यू की ली, तो जब मैंने वेन्यू IMT चलाई तो मैं IMT से सेटिस्फाई था। फिर बात थी गाड़ी की, फिर जब मैं वेन्यू के बाद सोनेट में बैठा तो वो जो फील गुड फैक्टर आता है वो मुझे सोनेट में मिला। बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे सोनेट से जाना चाहिए। तो ये बताओ यार, किया अभी आई है, हुंडई काफी टाइम पहले से है, इतना भरोसा कर लिया आपने किया में? हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक तो किया और हुंडई सिस्टर कंपनीज हैं, पार्ट्स भी शेयर करते हैं। दूसरा, किया भी अभी आई है तो अभी जाएगी नहीं क्योंकि जो उन्होंने भी सेटअप किया, अपना प्लांट सेटअप किया और जो उनकी अपनी जितनी ब्रांचेज हुई हैं, तो मुझे मैं सेटिस्फाइड था। अच्छे नंबर में बिक रही है, सेल्टोस अच्छा कर रही है। हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा यार कि इस प्राइस रेंज में क्रेटा सेल्टोस के बेस वेरिएंट आ जाते, ऑटोमेटिक में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते क्या उनके लिए? पता क्या था, मुझे ये लगा कि जैसे अगर मैं कोई मिड SUV ले लूँ लेकिन बेस मॉडल लूँ तो मुझे अंदर बैठ के वो खाली लगेगी। मतलब मेरे ये लिए था कि मुझे बड़ी गाड़ी तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए लूंगा, अंदर बैठ के मुझे कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है, अंदर बैठ के मुझे इसमें फील आती है। तो यूजेस कैसा है आपका गाड़ी का, कितनी चल चुकी है एक साल में? ये अभी चली है 7,600 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। यूसेज मेरा कम ही रहता है, तभी पेट्रोल ली थी। अच्छा। क्योंकि मैं ज्यादातर सैटरडे संडे को ही चलाता हूँ। क्या एवरेज निकाल रहे हो उससे? सिटी में मैंने टैंक टू टैंक नहीं कभी किया है, पर मुझे MID में हमेशा 12-13 के बीच में देती है। अच्छा। लेकिन मैंने हाईवे रन किया हुआ है और उसमें मुझे बहुत अच्छा मिला है, 19.1, 19, 18, इवन 25 विदाउट AC भी मैंने निकाला हुआ है। अच्छा, ये IMT जो है मैनुअल भी नहीं है प्रॉपरली, ऑटोमेटिक भी नहीं है, तो यार इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है क्या? हाँ, मतलब मुझे थोड़ा लगा टाइम। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता, मैं गियर शिफ्ट करना भूल जाता था, मुझे लगता ये तो ऑटोमेटिक ही है। अच्छा। तो गियर शिफ्ट नहीं करता, फिर वो बीप करती है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे 2 दिन उसको अडाप्ट करने में लगे, लेकिन IMT को जो उसका गियर हैंडल अडाप्ट करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे का स्पेस उतना कुछ खास नहीं है गाड़ी का, इससे कभी फर्क पड़ा आपको? मतलब आपको कोई ये नेगेटिव जो गाड़ी का है इससे कुछ फर्क पड़ता है आपको? एक्चुअली ये शायद उनको फर्क पड़ेगा जिनकी बड़ी फैमिली है और सभी लाइक 6 फीट अबव है, राइट। मैं ये ज्यादातर अकेले ही चलाता हूँ। अच्छा। आज तक मेरी गाड़ी में 4 लोग भी नहीं बैठे होंगे, मतलब 5 तो छोड़ो। अच्छा। मेरे फादर मदर बैठते हैं, उनकी हाइट 5'10" से सबकी कम है। अच्छा। तो वो बिल्कुल ठीक है, कम्फर्टेबल है उनके लिए, कोई इतना मुझे कभी इशू लगा ही नहीं सेकेंड रो का। अच्छा, ये आपकी नेक्सॉन AMT XUV300 AMT में आती है। पता है क्या हुआ, मैंने जब वेन्यू DCT चलाई ना, उसके बाद मैंने चलाई AMT तो मैं AMT पे तो जाना ही नहीं चाहता था, मुझे लगा कि मैं IMT ले लूंगा पर मैं AMT नहीं लूंगा। अच्छा। तो वही रीजन था। अब साथ में 13,00,000 दे के मैं AMT लूँ, वो मुझे लगा भी नहीं कि क्या। अच्छा, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं इस गाड़ी में, आप चलाते भी कम हो, तो ज़्यादा पैसा इसमें फंसाना आपको सही लगा या नहीं? लेकिन मैं जब चलाता हूँ तो मैं अच्छे मज़े से चलाता हूँ। अच्छा। इसमें फीचर्स इतने दिए हैं कि शायद कभी यूज़ भी ना हो पाए, लेकिन फिर भी वो फीचर्स यूज़फुल हैं। जैसे मुझे जो इसका फ्रंट ये वेंटिलेटर सीट्स हैं वो बहुत यूज़फुल फीचर है, नहीं आता किसी में भी। इसके फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर हैं वो भी यूज़फुल फीचर्स हैं, वो भी नहीं मिलते। ये बताओ मुझे कि आपको अभी रिग्रेट तो नहीं होता है कि यार इतने पैसे मैंने एक कॉम्पैक्ट SUV के लिए दे दिए, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में? नहीं, अगर शायद मैं इसका DCT वर्जन लेता ना तो 1,00,000 महंगा है,
तो शायद मुझे लगता कि मैंने ज़्यादा कर दिया, वो मिड एसयूवी में जा सकता था, पर इसमें मुझे नहीं लगता। एक्चुअली मेरा बजट भी इतना ही था, 12 से 12 लाख तक का। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट कार है या इससे पहले भी रखी है आपने? ये मेरी फर्स्ट कार है, पर इससे पहले मैं अपने फादर की कार है अमेज डीजल, वो चलाता था। देखो होता क्या है जनरली ना, अगर आप काफ़ी टाइम से मैनुअल चला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसको आप चलाएंगे तो आपको बहुत अटपटी लगेगी। आप एज अ फर्स्ट कार इसको लेंगे और ये आपको जो है ना काफ़ी मतलब कंफर्टेबल लगेगी, खास करके सिटीज़ में। तो ये चीज़ें हैं, और चला के देखते हैं गाड़ी को और चलाते हुए बातचीत करते हैं इनसे कि और क्या क्या इसमें अच्छा है और क्या क्या इसमें बुरा है। रोहन यार ये बताओ, हाँ जी, आपको ये गाड़ी अंदर से बैठने के बाद हैचबैक टाइप की नहीं लगती है? हाँ, वो आप कह सकते हो, मतलब क्योंकि इसका जो सामने का फ्रंट पोर्शन है बहुत आपकी तरफ आता है, राइट? पर नहीं, मुझे कभी इतना ऐसे मतलब ये मेरे को ऐसे डील ब्रेकर नहीं था। कहने का मतलब है आपको एक कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए थी क्योंकि आपको अकेले चलना होता है और उसमें फील गुड फैक्टर चाहिए था। मतलब आपको बड़ा मतलब हिसाब किताब लेकर नहीं चलना था, पर्पस सॉल्व होना चाहिए था आपका गाड़ी का। बिल्कुल राइट। जैसे मैंने कहा ना, मुझे ये था कि मैं गाड़ी में बैठूं तो मुझे गाड़ी में बैठना अच्छा लगे, गाड़ी चलाने में मजा आए, दैट्स इट। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? परफॉर्मेंस भी अच्छी आई, मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी वो आप अब तो आप ही बताओगे। सस्पेंशन हार्ड नहीं लगते आपको? इसके सस्पेंशन जो है वो इसका एक डाउन है, बिल्कुल सस्पेंशन इसके बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड भी अंडरस्टेटमेंट ही है। रियर सीट का जो स्पेस होता है ना कहीं बंदा वो डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, इस चीज में एप्लीकेबल रहती है वो चीजें। लेकिन सस्पेंशन यार हार्ड सबको परेशान करते हैं, चाहे उनकी फैमिली जो है उनकी एवरेज हाइट ज्यादा हो या फिर कम हो। लेकिन फिर वही बात है, आपको हाईवे में सर वो सस्पेंशन अच्छा भी लगता है। हुंडई और किया में यही अंतर है, किया की जो है हैंडलिंग वगैरह थोड़ा सा अच्छी रहती है और चलती तो नो डाउट अच्छी है यार ये गाड़ी। 1 लीटर का GDI इंजन है, 120 BHP प्रोड्यूस करता है, काफ़ी होती है, इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है गाड़ी में, इसलिए जो है परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी खासी निकल के आती है। यार आप बता रहे हो कि एवरेज इतना अच्छा निकाल लेते हो, कितना निकाल लेते हो आप एवरेज इससे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसका एवरेज, मैंने 300 किलोमीटर्स का रन किया, उसमें मैंने 19.1 का निकाला एवरेज। लेकिन एवरेज का ये है, जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है वो ये है कि मैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट करता हूँ, मतलब अच्छा। जैसे ये बताती है, इसके सारे गियर शिफ्ट होते हैं 1800 से 2000 RPM के बीच में। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करोगे आपको बहुत अच्छा एवरेज मिलेगा। और स्पीड कितनी मेंटेन करते हैं? स्पीड में मेंटेन करके रखता हूँ 85 से लेके 100 के बीच में। अच्छा। और लाइट फुट मेरा रहता है, मैं अच्छा। कोई वो नहीं रखता ज्यादा, झूंझा चला के नहीं चलाता। हाईवे में 19 यार बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे ड्राइवर हैं। वो इसी ने बनाया, बिकॉज जब से मैं इसको देखना शुरू किया ना कि ये कैसे बोलती है कि यू नो कि अब शिफ्ट करो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूँ तो मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस भी रहती है और एफिशिएंसी भी रहती है। कितना लंबा लेके गए हो यार इसको? सबसे लंबा तो 300 किलोमीटर या चंडीगढ़ से जम्मू का जो रन था मेरा। अच्छा। वो एक बार चंडीगढ़ से गाजियाबाद भी आया हूँ। किया की सर्विस कैसी लगी आपको? अभी तक तो सर्विस नो डाउट अच्छी है, मैंने इसकी अभी ही लास्ट मंथ ही इसकी 1 पेड सर्विस कराई थी, 3rd 1, 3000 के अकॉर्डिंग पड़ी वो, तो उनका वो सब अच्छा लगा मुझे, जैसे उन्होंने हैंडल किया, कस्टमर हैंडलिंग भी अच्छी है उनकी। और जब आपकी डील हुई थी, जब आपने गाड़ी ली थी, कैसा बिहेवियर था, कैसा था? क्योंकि कई लोग जब आप इंक्वायरी करने गए थे खासकर, तो कई लोगों से सुनने में आया है कि किया वाले जो है ज़्यादा भाव नहीं देते। अच्छा, समझ रहे हो, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा उनकी गाड़ियाँ बिक रही हैं। हाँ। हर एक डीलरशिप में अच्छा खासा लोड है। अच्छा। हुंडई की डीलरशिप जो है आपको हर जगह मिल जाएगी, किया की कहीं कहीं पर मिलेगी। हाँ। तो अगर उनके पास स्टॉक नहीं होता है तो मतलब वो कस्टमर को मुंह नहीं लगाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? नहीं, मेरे साथ तो कैसा हुआ है कि जब मैंने 6 सितंबर को ये बुक किया तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये लेनी है, और मैंने उनको कहा कि मुझे अगर ये जल्दी मिल सके, लाइक बिकॉज मुझे अपने फादर को एज ए गिफ्ट में ये देनी है क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर मैं हम ट्राई करेंगे, और उन्होंने मुझे 1 महीने बाद, जबकि इसकी बुकिंग बहुत थी, तो उन्होंने मुझे कहा सर 1 महीने बाद आपको इसकी डिलीवरी हो जाएगी, और 8 अक्टूबर को मैंने इसकी डिलीवरी ले ली थी। अच्छा। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था चंडीगढ़ किया सेंटर से वो बहुत अच्छा था। हर जगह ऐसा होना चाहिए किया का रिस्पॉन्स कस्टमर के लिए। अच्छा, कितना रखने का है प्लान, इसको लंबा रखोगे? बिल्कुल, ये लंबा ही रखने वाली है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है। तो मैंने ली भी ये इसलिए टॉप मॉडल लिया था क्योंकि मुझे था कि मैं ऐसे नहीं है कि 2-3 साल बाद बोर हो गए, इसको अच्छे से चलाएंगे और जितना ही चलेगी उतना ही चलाएंगे। देखो
क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हुंडई और किया, इंटीरियर क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको कोई भी ऐसा प्लास्टिक नहीं मिलेगा जो कि कुछ टाइम के बाद जो है आवाज़ वगैरह निकालने लग जाता है, गड्ढों में आवाज़ आती है चरचर, जिससे ऐसा कुछ नहीं है। तो लंबी रखने वाली गाड़ियाँ होती हैं ये। ये बताओ यार, क्या आपको सेफ गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं थी? अभी इसका कोई क्रैश टेस्ट वगैरह हुआ नहीं है, ये चीज़ें आपके दिमाग में थी क्या लेते वक्त? बिल्कुल ये भी थी। अच्छा। दिमाग में सेफ्टी तो रहती है। सेफ्टी का ये था, उस टाइम तक तो किया सेल्टोस की भी सेफ्टी नहीं आई थी डी, तो कोई ऐसा पता नहीं था। साथ में जो भी नई क्रेटा आई है उसका भी कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है, फिर भी वो इतनी बिक रही है। तो मैंने जब ये टॉप मॉडल लिया तो मैंने सारे सेफ्टी फीचर्स देख के ही लिया। इसमें 6 एयरबैग्स हैं, उसके पास में ESC, EBD, हर एक तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं। तो तभी मैंने टॉप मॉडल के लिए गया था। बाकी आगे की जो सीटें हैं काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे जो है मेरे जैसे बंदों को तकलीफ होगी, अगर हाइट कम है तो चल जाएगा, हिसाब किताब सही बैठेगा उनका। और दूसरी चीज़ जो लेग रूम है ना इस गाड़ी में, वो वेन्यू से अच्छा मिलता है। रीज़न क्या है कि जो रिक्लाइन एंगल है इसका, जो पीछे सीट का, वो इसका ना थोड़ा सा कम है। ये मतलब थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी सीटें, अपराइट है ये थोड़ी सी सीटें हैं, तो थोड़ा सा लंबे जो दूरी तय करते हैं गाड़ी के अंदर, लॉन्ग जर्नी करने हैं, तो पीछे वालों को थोड़ा सा कम कंफर्ट मिलेगा। वेन्यू में आप आराम से तिरछे होके बैठ सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है जब कोई तिरछा होके बैठता है तो आगे लेग रूम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये था रोहन का ओनरशिप एक्सपीरियंस किया सोनेट IMT का, और काफ़ी संतुष्ट हैं। जो चाहिए था गाड़ी से वो मिला इन्हें, ठीक है। 13,10,000 की ली थी ना ये? हाँ जी। और इस प्राइस में ये गाड़ी इनको वर्थ लगती है। आप इतना अच्छा एवरेज भी निकाल ले रहे हो इस गाड़ी से, वो अच्छी बात है काफ़ी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।